जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अविश रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है ये सोचता है तालिबान इंडिया के बारे में, व्हाट तालिबान थिंक अबाउट इंडिया। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये फैक्ट भाई का वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि तालिबान इंडिया के बारे में क्या सोचता है। वैसे तो अफगानिस्तान के लोग हमें और आपको पता है कि इंडिया के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, मगर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं ये तो पता है। और पाकिस्तानी इस बात पे बहुत चलते हैं, जब ये अफगानी लोग इंडिया को दोस्त कहते हैं तो पाकिस्तानियों की चल पड़ती है। तो देखते हैं कि वीडियो में तालिबानी अब क्या सोच है इंडिया के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज तालिबान अफगान से पार होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि दिल्ली से कश्मीर कितना दूर है। इनका ये इरादा दिखाई देता है इस हरकत से। दिसंबर 2022 में एक ऐसा बड़ा सा ग्लोब मैप तालिबान ने काबुल के बीचों बीच लगाया और इंडिया के नक्शे से कश्मीर को ही मिटा दिया। लेकिन एक जमाना था जब हम अफगानिस्तान पे इतना भरोसा करते थे कि हमने उनके आर्मी तक को ट्रेनिंग दी थी। पर अब देखो, तालिबानी टेररिस्ट ग्रुप ने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि वो 2035 तक पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। साल 2035 तक पूरे भारत को, साल 2037 तक तुर्कमेनिस्तान को, साल 2040 तक पूरे ईरान को तालिबान अपने कब्जे में कर लेगा। अब ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं। तालिबान सुन के सबसे पहले दिमाग में यही सब आता है, राइट? और आएगा भी क्यों नहीं। अगर हम उनकी आइडियोलॉजी को करीब से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे उन्होंने आज अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स का गला घोंट कर रखा हुआ है। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ऑथर्स, यहाँ तक कि प्रोफेसर को भी अरेस्ट करके मीडिया को जड़ से उखाड़ फेंका है। पत्रकारों को तालिबान के खिलाफ न्यूज देने पर मारा पीटा जाता है। फीमेल न्यूज एंकर्स को पूरा मुंह ढक के न्यूज देनी पड़ती है और ऊपर से औरतों के ह्यूमन राइट्स की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि शायद तालिबान उन्हें इंसान ही नहीं मानते। जिस वजह से अफगानी औरतें आज बहुत बुरी हालत में अपनी जिंदगी काट रही हैं, वो आज भी घर से 75 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती और अगर उन्हें जाना हो तो वो सिर्फ घर के मर्दों के साथ ही जा सकती हैं। इसी वजह से उन्हें बड़ी से बड़ी बीमारी होने के बाद भी मेडिकल ट्रीटमेंट नसीब नहीं होती। इतना ही नहीं, 6th स्टैंडर्ड के बाद तो उनसे उनकी पढ़ाई का हक भी छीन लिया जाता है और वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस तो मानो एक आम बात है। ऐसे कट्टरवादी शरिया लॉ के पालनकर्ताओं ने जब अफगानिस्तान के ही मस्जिद पे अटैक किया तब वहाँ 30 इस्लामिक गुरु मारे गए और घायल होने वालों की संख्या 70 थी। मतलब जिन्होंने खुद के धर्म गुरुओं को नहीं बख्शा उनसे हिंदुस्तानियों के लिए अच्छे इरादों की उम्मीद कैसे करें। सो जिस देश में इस तरीके का एक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेसी का दूर तक कोई नाम नहीं है, उस देश के लोग इंडिया जैसे एक पूरे डेमोक्रेटिक नेशन के बारे में क्या सोचते होंगे। शुरुआत करते हैं उनकी आम जनता से, ये सुनो। बहुत प्यार करते हैं इंडिया को, वंदे मातरम, हम लोग बोलते हैं जय हिंद। ये है एक आम अफगानी की प्रतिक्रिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के प्रति क्या सोच है वो भी देखिए। भगत सिंह को भी मारता, चंद्रशेखर आजाद को भी मारता। जी हाँ, अफगानी लोग इंडिया से प्यार करते हैं। जो लोग इंडिया से अफगानिस्तान घूमने जाते हैं उनकी जगह जगह पे मेहमान नवाजी की जाती है। लोगों का मेहमान नवाजी भी अलग ही है। ये देखो यार, इतना करने की कहाँ जरूरत थी, ये यहाँ पे हमारे लिए गद्दे ला रहे हैं। ओह माय गॉड, ये कह रहे हैं ना, ये ज्यादा पियो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंडियन टूरिस्ट जब कोई चीज खरीदते हैं तो दुकानदार उनसे पैसे लेने से मना कर देते हैं। तो पैसा देना तो बनता ही है, तो इसलिए हम देते हैं, भाई जबरदस्ती देते हैं, लेकिन देना बनता ही है, क्योंकि यू नो अ बिजनेसमैन टू गिव यू समथिंग फ्री, इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज़ ही नोज़ आई एम नॉट कमिंग बैक। पर वहीं अगर कोई पाकिस्तानी इंसान वहां जाएगा तो उनका बर्ताव उनके लिए बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि अफगान की आम जनता पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानती है। उनका मानना है कि एक बारी हम अमेरिका को दुश्मन ना माने पर पाकिस्तान हमेशा ही हमारा दुश्मन रहेगा। और इसी इंडियन आदमी को पहले जब उन्होंने पाकिस्तानी समझा तो अफगानी चचा गुस्से से फूल गए, पर उन्हें जैसे ही पता चला कि ये तो इंडियन है फिर उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जब मैंने आपको देखा कि आप इंडिया से हो, बहुत सही लोग हैं, मुझे आप बहुत अच्छा प्यारे लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान में रहने वाला अफगानी युवा इंडिया की साइड लेते हुए पाकिस्तान से लड़ पड़ा। जो अफगान के बंदे हैं वो इंडिया को सपोर्ट क्यों करते हैं, यही वजह पूछते हैं ना दोस्त।
इसी से पता चलता है कि अफगानी इंसान हिंदुस्तानियों को सच्चे दिल से अपना दोस्त मानते हैं। अब ये तो थी अफगानी जनता, पर जब एक हिंदुस्तानी तालिबानी लीडर से मिला जिसके अंडर अफगानिस्तान का पूरा एरिया था, तो उसने भी हिंदुस्तानी इंसान की जमकर मेहमान नवाजी की। और जब उसका तालिबानी सोल्जर के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था, काफी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके यार, बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, वो खुद हिंदुस्तानी बंदे के थाली में खाना परोस रहा था। और तो और, एक इंटरव्यू में तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया के बारे में राय पूछी गई तो उसने ये जवाब दिया, आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, फ्यूचर में उनको कैसा देखते हैं और पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्द अमल मिल रहा है? हमारी सफारतकारी और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छी पॉलिसी अप्रोच पर मुश्तमिल है। यहाँ तक कि तालिबान ने इंडिया को थैंक यू भी बोला, कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह थी हमारी अफगानिस्तान को दी गई मदद। होली के मौके पर इंडिया ने 20,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानी जनता को भेंट के तौर पर दिया था, जिस भेंट पर तालिबानी ऑफिशियल्स ने ये कहा, उनके माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी की बहुत सराहना करते हैं। और ऐसा इंडिया करता भी क्यों नहीं, तालिबान सरकार में आते ही ऐसी हरकतें जो करने लगा था। ये घटना काबुल में हुई, शहर के बीचों बीच ऐसा एक बड़ा सा ग्लोब मैप लगाया जिसमें इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। इंडिया से कश्मीर अलग, जो जरूरत कभी पाकिस्तान भी नहीं करता वो तालिबान करने लगा था। पर तालिबान यही नहीं रुका, उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2032 तक तालिबान आधे इंडिया पे कब्जा करेगा और 2035 तक पूरे इंडिया ही उनके अंडर होगा। और इतना कह के ही नहीं रुके, उन्होंने वर्ल्ड मैप पे पॉइंट करके ये भी बताया कि वो दुनिया के कौन कौन से हिस्से हैं जिन पर तालिबान राज करना चाहता है। उनका दावा है कि 2070 तक आधी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी। लेकिन ये सब उनकी हरकतें तब की थी जब वो नए सत्ता में आए थे। पर जैसे ही उन्होंने अफगानिस्तान पे शासन करना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि एक देश चलाना बंदूक चलाने जितना आसान नहीं होता। और अफगानिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही इतनी कमजोर थी कि आप दूसरे देशों से मदद लेने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। पर तालिबान की टेररिस्ट इमेज की वजह से सारे देशों ने उनसे बायकॉट कर दिया। अब उनके पास था एक ही सारा, भारत देश हमारा, जिसकी वजह से आज तालिबान से ऑफिशियल मांग की जा रही है कि उनका एम्बेसडर इंडिया में होना चाहिए, यानी एक तालिबानी आके दिल्ली तक पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है, जिस तालिबान की पहचान ही टेररिज्म है उसे अपने घर में जगह दी जाए? वो ये भी चाहते हैं कि पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू किए थे उन्हें वो कंप्लीट करे। प्रोजेक्ट बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कम्प्लीट नहीं हो चुके है, इनकम्प्लीट है, वो कम्प्लीट करे क्योंकि वो आवाम के लिए। भारत के हवाले से आप लोगों के अब क्या मौकफ है? हमने कहा किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को, किस पर को हम इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। इसके अलावा वो ये तक चाहते हैं कि अफगान की चीज इंडिया में एक्सपोर्ट हो जिससे कि तालिबान और इंडिया में फिर से ट्रेड शुरू हो जाए। पर एक देश है जो इस सबसे नाखुश है और उसे डर लग रहा है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हो गए तो उसे सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान, जिसने दोनों देशों से पंगा लेके रखा हुआ है। और अगर हम वर्ल्ड मैप भी देखें तो कोई भी कह सकता है कि इंडिया अफगानिस्तान के मिलन से पाकिस्तान कितना संकट में आ सकता है, जिस वजह से पाकिस्तानी जनता भी इंडिया अफगान के रिलेशन पे कुछ ऐसे रिएक्शन देते नजर आते हैं। आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में एक असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, हमें जो खाना दे रहा है, हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज दे रहे हैं वो इंडिया है। लेकिन रही बात अफगानी जनता की तो वो इंडिया के बारे में भला ही कहती है। देखिए, हमें अफगानी जनता के इरादों पर कोई शक नहीं है, वो तो खुद तालिबान के कहर से परेशान है, शायद इसी वजह से उन्हें इंडिया में एक सच्चा दोस्त दिखाई देता है। हम अफगानी इंडिया से दोस्त। पर तालिबान की बातों पे भरोसा करना सोचने वाली बात है, क्योंकि जब बात आती है जियोपॉलिटिक्स की तो वहाँ सारा खेल पैसा और सत्ता का होता है। माना कि अफगानिस्तान से दोस्ती बनाए रखना पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए जरूरी है, पर किस हद तक, ये असली सवाल है। आपकी इस पे क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो भाई लोग, आज पैक भाई ने आपको बताया कि तालिबान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, पर आपको जानना है कि चाइनीज लोग भी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो इस आई बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आपने देखा होगा कि फैक्ट भाई ने बताया कि तालिबान किस तरह इंडिया के बारे में सोचता है। तो हमें कोई शक नहीं कि जो अफगानिस्तान की जनता है वो इंडिया के बारे में बहुत अच्छा सोचती है, और तालिबान जो है, जो कि उनकी जब सत्ता में नहीं थे तब उनकी सोच काफ़ी अलग थी, और लेकिन अब जब उनको बंदूक छोड़ के जब देश चलाने की नौबत आई है तो आज उनको पूरे दाल आटे के भाव पता चल गए कि देश चलाना आसान बात नहीं है। तो
आज उनको ये बात और समझ में आई है कि सभी देशों के साथ संबंध रहेंगे तो ही देश चल सकता है, और इसीलिए आज उनके साथ में कोई देश उनको मदद करने को तैयार नहीं है, मगर इंडिया ने वहाँ के आवाम के लिए मदद भेजनी अभी भी चालू है और चालू रखी है, तो इसीलिए अफगानिस्तान की आवाम जो है वो इंडिया से मोहब्बत करती है और पाकिस्तान जो कि इस पर बहुत चल रहा है। तो तालिबान की सोच महिलाओं के बारे में बहुत ही एग्रेसिव है, उनके लिए जो भी है एजुकेशन न्यूज और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ब्यूटी पार्लर भी उनके बंद करवा दिए, तो वो शरिया कानून के हिसाब से वो चलते हैं, वो सोच तो उनकी बदलने वाली नहीं है, मगर उनको बाकी देशों के साथ में जो रिलेशन है वो अच्छे करने के लिए वो अभी उनके ट्राई चालू है, और इंडिया को भी उन्होंने अपना राजदूत इंडिया में रखने की इजाज़त मांगी है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। मगर दोस्तों हो ना हो इंडियंस और अफगानिस्तान जो पीपल है वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत पॉजिटिव है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चलिए चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।